वेलकम क्लास। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मींस जीपीएस। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड का ये आपका कौन सा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया है। वो टॉपिक क्या था, एक था इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और सेकेंड आपका था टोटल स्टेशन। ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर में जो भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या हिस्ट्री थी, ये सब चीजें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में पढ़ा। फिर हम लोगों ने उसके यूजेस क्या थे, क्या ऑपरेशंस था, कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितने मेथड्स यूज होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोटल स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, टोटल स्टेशन पढ़ा। टोटल स्टेशन क्या होता है, टोटल स्टेशन किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। टोटल स्टेशन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट और माइक्रोप्रोसेसर। इन तीन चीजों से मिलके आपका क्या होता है, टोटल स्टेशन बना होता है। फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े हम लोगों ने, यूजेस पढ़े, क्या उसके यूजेस हैं, कहाँ उसके एप्लीकेशन है। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में हम लोग टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आपका क्या क्या सेटिंग ऑफ ऑपरेशन, मतलब यूज करने से पहले हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पर्टिकुलर आपके थर्ड यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जीपीएस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आजकल आप लोग सभी लोग मोबाइल में लोकेशन देख लेते हो अपना। ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर शॉप की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की या चीजें हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन देखते हैं अपने मोबाइल में। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जीपीएस की हेल्प से ही होता है। ठीक है, अब जीपीएस कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके मेजर पार्ट्स हैं, कहाँ से क्या क्या चीजें, कितने सैटेलाइट जरूरत होती हैं, उस सैटेलाइट कैसे हमारा डिस्टेंस बताती हैं, कैसे हमारा एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं, इन चीजों के ऊपर हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज जीपीएस। ठीक है, जीपीएस क्या है। ठीक है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म है, आपका फुल फॉर्म है इसका जीपीएस का, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसका बेसिकली हम लोग यूज किस लिए किए, नेविगेशन या पोजीशन बताने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज का या किसी एक पर्टिकुलर थिंग का, ऑब्जेक्ट का, शॉप का, पर्सन का, शिप का, किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट का हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं। उस पोजीशन किसकी, उस जो पूरे पोजीशन निकालने में जो सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। अब ठीक है, अब इसके वन बाय वन हम लोग पॉइंट से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है आपका, सैटेलाइट बेस्ड मतलब नेविगेशन सिस्टम है, मतलब वो नेविगेशन सिस्टम है या वो सिस्टम है जिसमें हम लोग सैटेलाइट का यूज करके पोजीशन बताते हैं या लोकेशन बताते हैं, वो सिस्टम जिसमें हम लोग सैटेलाइट का यूज करके पोजीशन या लोकेशन बताते हैं वो क्या होता है, जीपीएस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सेकंड पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट सर्कुलेटिंग अराउंड द अर्थ ऑर्बिट बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएसडीओडी। ठीक है, अब ये कैसे बना हुआ है, ये आपका 24 सैटेलाइट का एक नेटवर्क है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ
सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। 24 सैटेलाइट का सिग्नल है जो हमारे अर्थ के चारों ओर ट्रेवल कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है। अब ये इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस कहेंगे, या उन सैटेलाइट की यूज से हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन बताते हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं या ये जो लोकेशन है वो किसने किया हुआ है, ये बेसिकली किसने किया हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ठीक है, यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इन 24 सैटेलाइट्स की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला आपका, द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड इन 1960 टू अलाउ शिप इन द यूएस नेवी टू नेविगेट द ओशन मोर एक्यूरेटली, ठीक है। जो फर्स्ट सैटेलाइट हम लोग अर्थ के ऑर्बिट में ले गए वो किसमें थी, इन 1960 में। अब किस लिए ले गए, बेसिकली ले गए यूएस नेवी ने किया था, वो क्यों किया कि जो हम लोग ओशन में नेविगेट कर रहे हैं या ओशन में कहीं हम लोग जर्नी कर रहे थे तो वो हमसे एक्यूरेटली हो सके, मतलब अगर हमको पॉइंट ए से शिप चलाना है और पॉइंट बी जाना है और यहाँ पे क्या है आपकी ओशंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी ओशंस है, तो यहाँ पे ओशंस में कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर वे को फाइंड करने के लिए कि हम लोग करेक्ट वे के जा रहे हैं कि नहीं, कि अपने बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो इस चीजों को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा। और वो जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो लॉन्च कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, जीपीएस वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन, ठीक है, बेसिकली जो जीपीएस था वो मिलिट्री या एक कह सकते हो डिफेंस के पर्पज से किया गया था, बट इन 1980 में द गवर्नमेंट मेड द सिस्टम अवेलेबल फॉर सिविलियन यूज, बट 1980 में आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट द गवर्नमेंट मेड द सिस्टम अवेलेबल फॉर सिविलियन यूज, मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो पर्टिकुलर जो सिस्टम था जीपीएस सिस्टम था उसको क्या किया, सिविलियन के यूज के लिए क्या किया, अलाउ कर दिया, सिविलियन मतलब जो नॉर्मल पीपल है वो भी उसको यूज कर सकते थे, लेकिन बिफोर 1980 सिर्फ वो डिफेंस सर्विस या डिफेंस डिपार्टमेंट हम लोग का बस यूज कर सकता था, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, जीपीएस परमिट्स लैंड सी एंड एयर बॉर्न यूजर टू डिटरमाइन देयर थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। जीपीएस क्या करता है, लैंड सी और एयर बॉर्न मतलब कहीं पे भी आप हो, ठीक है, कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो तो उसकी थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेलोसिटी और टाइम को एग्जैक्टली बताता है कि वो पर्टिकुलर पोजिशन कहाँ है, आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो और पर्टिकुलर टाइम कहाँ पे आप हो, इन तीन चीजों को वो एक्यूरेटली बताता है, क्लियर। तो ये आपका था जीपीएस, तो पहला क्या है कि ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, दूसरा क्या है मिनिमम 24 सैटेलाइट चाहिए हमको, ठीक है, जो 24 सैटेलाइट हैं वो किसने भेजा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। पहला सैटेलाइट कब गया, 1960 में, क्यों गया, क्योंकि शिप को इजीली हम लोग नेविगेट कर सकें आपके ओशंस में, फिर ठीक है, फिर इन 1980 में क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया उसको अवेलेबल कर दिया सारे सिविलियंस के यूज के लिए, फिर और जीपीएस क्या करता है आपके थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेलोसिटी और टाइम को बताता है, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया जीपीएस। नेक्स्ट, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ जीपीएस, जीपीएस का आर्किटेक्चर क्या है या कौन कौन से बेसिकली सेगमेंट्स हैं, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं आर्किटेक्चर ना कह के हम ये भी बोल सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस, जीपीएस के क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली तीन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, तीन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, थ्री सेगमेंट्स
आर इन द जीपीएस। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला स्पेस सेगमेंट, ठीक है, सबसे पहला क्या आपका स्पेस सेगमेंट, दूसरा आपका कंट्रोल सेगमेंट, और थर्ड आपका है यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट वो सेगमेंट जो आपका यूनिवर्स में है कि कितने सैटेलाइट्स हमके हमारे पास होने चाहिए मिनिमम कि हम लोग वहां से डाटा को रिकवर कर सके। कंट्रोल सेगमेंट जो आपकी सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं या सिग्नल्स को कैप्चर कर रहे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 या 15 कंट्रोल सेगमेंट्स हैं या मॉनिटर स्टेशंस हैं जो उस पर्टिकुलर रेस को करते हैं। ठीक है, रेस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं या चीज उनको डिनोट करते हैं, ठीक है, या उनको मैनिपुलेट या डाटा जो भी होता है कैलकुलेशन, ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है यूजर सेगमेंट जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं या नेविगेशन में उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेन थ्री मेजर सेगमेंट्स। ठीक है, तो टू रन ऑल द सेगमेंट ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी प्रॉपरली हाईली एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ जीपीएस हैज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स थ्री मेजर सेगमेंट कॉल्ड स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड अ यूजर सेगमेंट। ठीक है, तो जीपीएस टेक्नोलॉजी को एक्यूरेटली या प्रॉपरली डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या हुई, तीन सेगमेंट्स हुए। तीन सेगमेंट्स क्या है, स्पेस, कंट्रोल, यूजर। इन तीन सेगमेंट्स की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली जीपीएस बना हुआ है इन हमारे तीन सेगमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो वो तीन सेगमेंट्स क्या है, स्पेस, कंट्रोल, यूजर, स्पेस, कंट्रोल, यूजर, स्पेस, कंट्रोल, यूजर, ये तीन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस सेगमेंट्स क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट्स क्या होता है, क्या यूजेस हैं, और यूजर सेगमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा जो थ्री सेगमेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेगमेंट इज स्पेस सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहला सेगमेंट क्या है या सबसे पहला पार्ट क्या है, स्पेस। ठीक है, स्पेस सेगमेंट क्या करता है, ठीक है, तो अब आपको फिगर में दिख रहा होगा ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों ओर क्या हमारे सैटेलाइट्स ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मिनिमम 24 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 किलोमीटर। मिनिमम 24 सैटेलाइट हमको चाहिए एक स्पेस सेगमेंट का मैन्युफैक्चर या एक स्पेस सेगमेंट या जीपीएस सिस्टम बनाने के लिए। करेंटली इस समय हमारे पास 32 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने हैं, 32 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट ट्रांसमिट रेडियो नेविगेशन सिग्नल एंड स्टोर एंड रिट्रांसमिट द नेविगेशन मैसेज सेंट बाय द कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, अब स्पेस सेगमेंट का काम क्या है, सैटेलाइट काम क्या, ये क्या करता है कि हम लोगों ने कंट्रोल सेगमेंट से कुछ सिग्नल भेजा, उसको स्टोर किया, ट्रांसमिट किया, और उसके बाद फिर उसको क्या करता है, भेज देता है आपके पास कंट्रोल सेगमेंट के पास। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कुछ डाटा भेजा कि हमको यहाँ का लोकेशन चाहिए, ये गई कंट्रोल सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट क्या किया, कंट्रोल सेगमेंट को भेजा, कंट्रोल सेगमेंट फिर क्या कर रहा है, यूजर को भेज रहा है। तो मतलब स्पेस सेगमेंट का काम क्या है कि जो सिग्नल आपकी कंट्रोल सेगमेंट से जा रहा है स्पेस सेगमेंट सैटेलाइट के पास, उसको मीनिंगफुल डाटा में ट्रांसफर करना, मीनिंगफुल डाटा में क्या करना, कंट्रोल सेगमेंट के पास ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये इसका मेन वर्क हो गया। ठीक है, तो स्पेस सेगमेंट क्या है, हमको मिनिमम 24 सैटेलाइट चाहिए जो आपके 20,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे क्या हो रहा है, अर्थ के राउंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, जो भी है। ठीक है, लेकिन इस समय पर्टिकुलरली हमारे पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 32 सैटेलाइट्स वर्क कर रहे हैं। स्पेस सेगमेंट का वर्क क्या है कि कंट्रोल सेगमेंट से जो भी सिग्नल्स जा रही हैं उसको स्टोर करना और फिर उसको ट्रांसमिट करना या मैसेज जो है उसको मीनिंगफुल मैसेज भेजना कंट्रोल सेगमेंट्स के पास। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, कंट्रोल सेगमेंट। हम लोगों ने स्पेस सेगमेंट देख लिया, अब हमारा क्या है, कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल सेगमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मास्टर कंट्रोल स्टेशन फॉर डेडिकेटेड ग्राउंड एंटीनास एंड सिक्स
डेडिकेटेड मॉनिटर स्टेशन, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट क्या है कि कॉम्बिनेशन है एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन का, ठीक है, फोर ग्राउंड एंटीना एंड सिक्स डेडिकेटेड मॉनिटर स्टेशन। तो कंट्रोल सेगमेंट्स किससे बना हुआ है, वन नंबर ऑफ मास्टर कंट्रोल स्टेशन, वन नंबर ऑफ मास्टर कंट्रोल स्टेशन, वन नंबर ऑफ मास्टर कंट्रोल स्टेशन, फोर नंबर ऑफ ग्राउंड एंटीनास, फोर नंबर ऑफ ग्राउंड एंटीनास, ठीक है, फोर ग्राउंड एंटीनास होते हैं, ठीक है, और सिक्स नंबर आपका क्या होता है, मॉनिटर स्टेशन होता है। अब इनका वर्क क्या होता है, ठीक है, मॉनिटर स्टेशन या ग्राउंड एंटीना सिग्नल को ट्रांसफर और मॉनिटर करते हैं, और जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है वो इन दोनों को प्रोसेस को चेक करता है, ठीक है। मतलब ग्राउंड एंटीना क्या करता है, रेज जो भी सिग्नल्स है ट्रांसमिट और रिसीव करता है, मॉनिटर स्टेशन आपका ग्राउंड एंटीनास को क्या करता है, ऊपर कंट्रोल करता है कि क्या चीजें जो सिग्नल जा रही है वो अच्छे से, मतलब प्रॉपर सिग्नल जाए, कोई उसमें एरर ना हो, जो रिसीव हो रही है उसमें कोई एरर ना हो, ये वर्क जो होता है वो मॉनिटर स्टेशन देखता है। और ग्राउंड एंटीना और मॉनिटर स्टेशन को दोनों को जो कंट्रोल करता है वो होता है मास्टर कंट्रोल स्टेशन, ठीक है, वो क्या होता है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, ठीक है, वो कौन सा होता है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन। तो चीजें समझ में आ गई, मास्टर कंट्रोल स्टेशन क्या करता है, मॉनिटर स्टेशन और ग्राउंड एंटीना को अच्छे से उसकी वर्किंग प्रोसेस को देखता है, मॉनिटर स्टेशन क्या करता है, ग्राउंड एंटीनास के वर्किंग प्रोसेस को देखता है, और ग्राउंड एंटीना क्या करता है, आपके रेस को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, क्लियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो कंट्रोल सेगमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मास्टर कंट्रोल यूनिट, फोर ग्राउंड एंटीनास, सिक्स मॉनिटर स्टेशन, क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कंट्रोल सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑपरेशन ऑफ जीपीएस सच एज चेंजिंग अनहेल्दी सैटेलाइट विद वन हेल्दी सैटेलाइट, ठीक है। अब कंट्रोल सेगमेंट का वर्क क्या है कि वो सारी जितने भी फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट्स जो है सैटेलाइट से रिलेटेड, या जो सेगमेंट्स या जो चीजें हम लोग यूजर के पास भेज रहे हैं, ये सारे डाटा को जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या करता है, कंट्रोल सेगमेंट मैनेज करता है, ठीक है। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हमारी सैटेलाइट जो कुछ एज के बाद या कुछ ईयर बाद क्या होती है, उसकी वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाती है या वो वर्क नहीं करता, उस सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अनहेल्दी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अनहेल्दी सैटेलाइट को हेल्दी सैटेलाइट से रिप्लेस करना भी ये किसका वर्क है, आपका कंट्रोल सेगमेंट का वर्क है, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट ही बताता है कि हमारी कौन सी सैटेलाइट अच्छे से वर्क कर रही है, कौन सी सैटेलाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन सैटेलाइट्स को वो पॉइंट आउट करता है, और पॉइंट आउट करने के बाद उसको रिप्लेस करने का या चेंज करने का भी काम कंट्रोल सेगमेंट का ही है, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट किन किन चीजों से बना हुआ है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन और फोर ग्राउंड एंटीना, सिक्स मॉनिटर स्टेशन, ठीक है। मास्टर कंट्रोल स्टेशन का वर्क क्या है कि वो ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड एंटीना और मॉनिटर स्टेशन के प्रोसीजर या वर्किंग प्रोसेस को देखता है, ठीक है। मॉनिटर स्टेशन क्या करता है, ग्राउंड एंटीना के वर्किंग प्रोसेस को देखता है, ग्राउंड एंटीना क्या करता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव हो रही है उनकी चीजों को देखता है कि प्रॉपरली रिसीव हो रही है, प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रही है विदाउट एनी एरर सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, जितने भी फंक्शनिंग होती है वो उसको देखता है, जीपीएस की जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसको देखता है। उसमें उसका एक मेन पर्पस क्या होता है कि जो अनहेल्दी सैटेलाइट है उसको रिप्लेस करना भी उसका एक कंट्रोल सेगमेंट का ही वर्क का पार्ट है, क्लियर, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल सेगमेंट आपका, क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग यूजर सेगमेंट। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो क्या है आपका, यूजर सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है आपका, थर्ड जो पार्ट है, यूजर सेगमेंट। कंप्राइजेस ऑफ थाउजेंड ऑफ यूएस एंड मिलिट्री यूजर्स हु यूजेस द सिक्योर जीपीएस प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस एंड मिलियंस ऑफ सिविल कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक यूजर्स, ठीक है। तो अब तक जो भी चीजें थी वो स्पेस सेगमेंट कंट्रोल, अब जो चीजें आ गई यूजर सेगमेंट वो हम लोग पे आ गया कि हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं,
जो भी डाटा हम लोग फीड करते हैं उसका यूज कैसे करते हैं, प्रिसाइज पोजीशन निकालते हैं, साइंटिफिक यूज करते हैं, सिविल यूजेस करते हैं, उसके किसी भी पर्टिकुलर चीज का पोजीशन निकालते हैं, वे देखते हैं, ये सब चीजें क्या होती है, यूजर सेगमेंट का होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पास तीन सेगमेंट्स थे। ठीक है, तीन सेगमेंट्स थे। तो पहला सेगमेंट क्या था आपका, स्पेस सेगमेंट। ठीक है, स्पेस सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट क्या था, कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, और थर्ड सेगमेंट क्या था आपका, यूजर सेगमेंट। ठीक है, तो इन तीन सेगमेंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जीपीएस की वर्किंग करते हैं। क्लियर, इन तीन चीजों की हेल्प से करते हैं। तो स्पेस सेगमेंट में क्या था कि हमारा मिनिमम 24 सैटेलाइट होना चाहिए पर्टिकुलर एक जीपीएस को वर्क करने के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जो कंट्रोल सेगमेंट से रेज ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको स्टोर करना और फिर उसको रिट्रांसमिट करना। फिर हम लोग आ गए कंट्रोल सेगमेंट में। कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है कि एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन, चार आपके ग्राउंड एंटीना, 6 मॉनिटर स्टेशन, इन तीन चीजों से मिलके क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट बना होता है। इसका वर्क क्या होता है कि जो अनहेल्दी सैटेलाइट है उसको रिमूव करके, चेंज करके हेल्दी सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजना, जिससे कि हमारी जो जीपीएस है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होते रहे। ठीक है, फिर जो थर्ड सेगमेंट है वो क्या है हमारा, यूजर सेगमेंट, जो हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर जीपीएस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ जीपीएस वर्क। ठीक है, जीपीएस कैसे वर्क करता है। ठीक है, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस, जीपीएस की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। जो फर्स्ट पॉइंट इज, ईच सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल विद देयर लोकेशन एंड टाइम। ठीक है, सभी सैटेलाइट क्या करती है, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है लोकेशन और टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीपीएस रिसीवर रिसीव रेडियो सिग्नल एंड यूज दिस डाटा टू कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट। ठीक है, जीपीएस रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है उन रेडियो सिग्नल्स को और उन डाटा को क्या करता है, यूज करता है आपके डिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 4 सैटेलाइट। ठीक है, अभी हम बताएंगे 4 सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ट्रेवल टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। स्पीड हमको पता होता है, टाइम हमको पता होता है, तो हम डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, यही चीज यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, जीपीएस रेडियो सिग्नल आर ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो भी आपका जीपीएस रेडियो सिग्नल होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के उसमें ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, बोथ सैटेलाइट एंड रिसीवर जनरेट द सेम स्यूडो कोड सिग्नल। ठीक है, जो रिसीवर और सैटेलाइट होती है वो स्यूडो कोड सिग्नल्स होती है, उनको क्या करते हैं हम लोग, डिकोड करके मीनिंगफुल डाटा निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल इज द ट्रेवल टाइम। ठीक है, दो सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है, ट्रेवल टाइम कहलाता है। ठीक है, देन द रिसीवर यूजेस ट्राइलेटरेशन मेथड टू डिफाइन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये इतने प्रोसेस हैं। देखो होता क्या है, बेसिकली ट्राइलेटरेशन मेथड यूज होता है हमारे एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए। अब वो वर्क कैसे करता है, सैटेलाइट ने क्या किया, एक रेडियो सिग्नल पास किया विथ लोकेशन एंड टाइम। ठीक है, हमने क्या किया, रिसीवर में वो रेडियो सिग्नल रिसीव कर लिया। अब उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आपका, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब जो जीपीएस रेडियो सिग्नल होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो हमको स्पीड पता चल गया। अब टाइम पता करना है, तो टाइम कैसे पता करेंगे हम लोग, टाइम जो होता है, जो दो सिग्नल्स आ रही है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, सपोज एक सिग्नल आई एट 2 मिनट, ठीक है, और एक सिग्नल आई एट 2 मिनट 10 सेकेंड,
तो 10 सेकेंड जो डिफरेंस हुआ ये क्या हुआ, ट्रेवल टाइम हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ट्रेवल टाइम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ट्राइलिटरेशन का यूज करेंगे, बेसिकली डिस्टेंस निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ट्राइलिटरेशन का यूज करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 4 सैटेलाइट की है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का, हमको किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन चाहिए तो मिनिमम सॉरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैटेलाइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैटेलाइट फॉर एग्जैक्ट लोकेशन इज 4। मतलब 4 सैटेलाइट से जो हमारा डाटा आएगा उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब हम लोग को 4 सैटेलाइट से डाटा चाहिए तब जाके हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम लोग ट्राइलेट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। जो रिसीवर होता है वो हमारा ट्राइलेट्रेशन मेथड यूज करता है। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करता है, अब कैसे यूज करता है। ठीक है, ट्राइलेट्रेशन प्रोसेस, इफ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द रिसीवर फॉर 1 सैटेलाइट, द रिसीवर लोकेशन इज नोन विद इन अ स्फीयर। ठीक है, होगा क्या कि हमारे पास अगर एक सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने रिसीव किया तो वो डाटा कहाँ होगा, किसी एक स्फीयर में होगा। जैसे कि स्फीयर में तुम्हारा क्या हुआ, पॉइंट शो कर रहा है कि किसी एक स्फीयर में हम हैं, मतलब उसी स्फीयर में हम, उस स्फीयर में क्या है, हैं उसी स्फीयर में क्या है, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लोकेट करेगा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, हम लोगों ने सेकेंड सैटेलाइट से भी डाटा क्या किया, रिसीव किया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सैटेलाइट से रिसीव किया, अब इस सैटेलाइट में, मतलब इस सैटेलाइट में हम कहीं ना कहीं होंगे, इस सैटेलाइट मतलब इस स्फीयर में कहीं ना कहीं हमारी लोकेशन होगी। अब हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड लैग द रिसीवर लोकेशन इज नोन विद इन 3D रिंग। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, एक और सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन आ गया, क्या गया, एक और सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन आ गया कि हाँ एक और सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आ गई। तो सपोज वो सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन क्या हुआ, सेकेंड। अब ये दोनों क्या हुआ, मर्ज करेंगे, तो जब मर्ज करेंगे तो अब ये हो गया कि इस 3D रिंग में, इस रिंग में हमारी पोजीशन कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या हुआ, 2 सैटेलाइट का डाटा आया, सिग्नल आया। अब हम उस, जब 2 सैटेलाइट को हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर रिंग में बनेगा, ये आपका 3D रिंग है, मतलब जो हमारा डाटा होगा, जो हमारा लोकेशन होगा वो इसी रिंग के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या हुआ, 3rd सैटेलाइट आया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आई, 3rd सैटेलाइट की सिग्नल आई, द रिसीवर लोकेशन इज समवेयर ऑन एटमोस्ट 2-3D रीजन। अब हमारे पास क्या आ गया, एक और सैटेलाइट आ गया, तो अब वो अगर रिसीव करेगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इसी किसी डाटा में थोड़ा सा और एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता चलेगा। अभी तक देखो इसमें क्या था कि हमारे पास थोड़ा सा चीजें क्या कह सकते हो कि ये था कि हाँ इस 2 चीज रीजन में हमारा होगा, लेकिन अगर एक और सिग्नल हमको मिल जाता है तो ये बता देता है कि अब थोड़ी सी और एक्यूरेसी हो गई कि हाँ अब थोड़ा सा एरिया हमारा क्या हो गया, कम हो गया। पहले अगर इस एरिया में था ये 3D सिग्नल था, तो अब हमारा क्या हो गया कि एरिया हमारा थोड़ा सा कम हो गया, मतलब अब इस 3D सिग्नल में हम कहीं होंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास 4th सैटेलाइट आती है, जब हम 4th सैटेलाइट का डाटा हमारे पास आता है, तो रीजन गेट स्मॉलर बिकॉज ऑफ द स्फीयर ऑफ द न्यू सैटेलाइट। जो हमारा 4th सिग्नल आते ही जो रीजन होता है वो स्मॉल हो जाता है, और जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो हमको पता चल जाता है, जो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमको बताएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्राइलेट्रेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है सैटेलाइट की सिग्नल की वो क्या होती है, 4 सैटेलाइट। तो अगर कोई आपसे पूछेगा हाउ मैनी
सैटेलाइट सिग्नल आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप क्या बोलोगे, 4 सैटेलाइट, तो मिनिमम सैटेलाइट सिग्नल, सिग्नल्स कर लो, आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 सैटेलाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है। तो जो हम लोग सिग्नल अपने मोबाइल में यूज करते हैं उसमें मेन आपकी 4 सैटेलाइट्स के डाटा, 5 सैटेलाइट्स के डाटा आते रहते हैं। जितने सैटेलाइट्स के डाटा आपके पास आएंगे, लोकेशन और इजी या और एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 4। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 4, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी लोकेशन को फाइंड करने क्या है आपका, 4 चाहिए ही चाहिए। अगर 4 सैटेलाइट अगर का सिग्नल नहीं आ रहा है तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया जीपीएस कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक बार और देख लो, सबसे पहला क्या है कि जो भी सैटेलाइट होती है वो रेडियो सिग्नल पास करती है लोकेशन और टाइम के साथ। रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है रेडियो सिग्नल को और इन डाटा को क्या करता है, यूज करता है डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। अब वो जो डाटा रिसीवर रिसीव करेगा वो कितने, एटलीस्ट 4 सैटेलाइट से यूज करेगा। आप समझ में आ गया एटलीस्ट 4 सैटेलाइट का मतलब, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालता है, स्पीड इनटू ट्रेवल टाइम। अब हम स्पीड कैसे निकालेंगे, जो रेडियो सिग्नल होती है उसमें जो स्पीड लेते हैं वो हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं। और जो दोनों सिग्नल्स होती हैं रिसीवर और सैटेलाइट्स क्या करते हैं, स्यूडो कोड सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है, उनको हमको डिकोड करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो डिफरेंस होता है दो सिग्नल्स के बीच में जो ट्रेवल टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेवल टाइम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और उसके बाद लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइलिटरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सैटेलाइट का अगर हमको डाटा मिलता है तो ये बताता है कि हम इसी स्फीयर के अंदर कहीं हमारी लोकेशन होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक और सैटेलाइट आ जाता है तो ये पता चल जाता है कि इस 3D रिंग के अंदर हमारी कहीं पोजिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास थर्ड सैटेलाइट का आता है तो वो एरिया क्या होता है, और कम हो जाता है, मतलब एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। और जैसे ही हमको 4 सैटेलाइट का सिग्नल मिलता है हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे कि आइडियल ज्योमेट्री क्या होती है, पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया चीजें, तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया, जीपीएस क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, फिर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना है दो चीजों में, कि एक क्वेश्चन आता है आपका हाउ मैनी सैटेलाइट आर यूज टू मेक स्पेस सेगमेंट, ठीक है, कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाउ मैनी मिनिमम सैटेलाइट, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देगा मिनिमम सैटेलाइट, तो इसका आंसर होगा 24 सैटेलाइट। और एक आपका क्वेश्चन सेकंड था कि मिनिमम सैटेलाइट सिग्नल रिक्वायरमेंट टू मिनिमम सैटेलाइट सिग्नल रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द लोकेशन, टू डिटरमाइन द लोकेशन। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। अगर हमको लोकेशन फाइंड करना है तो हमको 4 सैटेलाइट की जरूरत है। और अगर स्पेस सेगमेंट की बात कर रहा है कि स्पेस सेगमेंट में कितने सैटेलाइट हमको चाहिए उस जीपीएस
को बनाने के लिए, तो वो होता है आपका 24। क्लियर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री। जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे उसका यूज होता है, कौन सी ज्योमेट्री हम बोलेंगे कि गुड ज्योमेट्री है, कौन सी आइडियल ज्योमेट्री और कौन सी पुअर ज्योमेट्री है, फिर एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि जीपीएस का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। क्लियर।